चाचा कितना मंगता पे? दो बंदी मांग रहे हैं भाई जी। उस्ताद जी कितने मांग रहे हो? 380। माशाल्लाह जी, जानवर देखें जी, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से पूरा जानवर। क्या मांग रहे हैं? ठीक है, वीडियो बना के बस बस छोड़ो सर। 6 लाख। ये पूरा सूट है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं जी। देखें जी, महवेश ने जी बड़ी प्यारी प्यारी शॉपिंग की है जी, काटन के सूट। ये किसका है जी काटन का सूट? ये अबू का। वो खैरोवी चिट्टा सूट वैसे काटन दा ईद अली मां। पहली जिंदगी में पहली दफा ये मैंने शॉपिंग की। चलो जी, अल्लाह पाक नसीब फरमाए पहनना। माशाल्लाह बड़ा प्यारा ही खूबसूरत सूट है माशाल्लाह से, काटन का वो भी। जी काटन का, पहले कभी नहीं पहना, कभी वो पहले दूसरे पहनते थे, मगर जिंदगी में पहली दफा ये मैंने शॉपिंग। मेरा भी एक दो सूट है काटन का, मैंने पिछले दिनों पहना है, परसों वाले दिन पहना, वो उसी दिन जो है ना ऊपर लगा, वहाँ पे गया टियर गार्डर वाली दुकान पे, ऊपर मोंडे से फट गया, फिर नीचे से यहाँ से ये जेब वाली जगह से फट गया। ईद पे पहना दूंगी, फिर उतरवा कर रख दूंगी, फिर चौक आलम जाऊंगी पहना दूंगी, घर में नहीं वो तो फाड़ देंगे, क्योंकि फिर ये आपको पता काम पे पहन लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आने जाने के लिए एक ही सूट लिया है बस। ठीक है, पहले से प्लान बना के रखा है आपने? मुझे पता है, मैंने कहा ये फाड़ देंगे भाई, कपड़े सस्ते नहीं होते, बहुत महंगे मिलते हैं। आज लड़ाई की है मैंने दुकान वाले के साथ। अच्छा, वैसे दुकान वाला हाथ मार रहा था, कह रहा था बस। तो खुदा माफ करो। चले जी, चले आप, छोड़ा हूँ आपको। हाँ जी, छोड़ो। फिर मैं आई थी ना मीटर के सिलसिले में, मैंने हाँ जी इतनी तो की है। मैंने कहा पहले मैं मीटर के इतनी बहुत बेइज्जती की, मैंने कहा ये आपने क्या तमाशा बना रखे है, लगाना नहीं लगा रहा। तो मुझे उन्होंने कहा मीटर आ गया, तो अब मैं मीटर की छांटी कर रहा हूँ, तो शाम को लगा दूंगा। देखो भाई, मैंने कहा अगर शाम से पहले ना लगा, मुझे लगता है आज का दिन फिर गया। नहीं, मैं फिर फोन खड़का दूंगी। मैं तो पीछे लगी हुई ना मीटर वालों के, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद दो तीन दफा जो है ना फोन आते जाते दुकान पे भी जाता हूँ। हाँ जी, मगर कल मेरी लग जाएगा इंशाल्लाह। कल मेरी तबीयत नहीं सही थी, शुक्र है अल्लाह पाक का आज बेहतर है। तो देखो माशाल्लाह बच्चों के भाई थोड़ा सा सामान बहन भाइयों ने जिम्मे लगाया था, वो भी मैंने लेना था, तो कुछ मैंने मीटर के सिलसिले में मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, फिर घर से नहीं निकला जाता, गर्मी है ना इसलिए। कौशल की भी तैयारी हो चुकी है जी, शुक्रिया भी माशाल्लाह, आराम आराम से उठने लगी है, जोश पड़ गया जी। ये कहती मैं नहीं जाती, मैंने कहा नहीं क्यों नहीं जाती, मैंने कहा चल। हाँ जी, क्योंकि जानवर आए ना मंडी से, तो कह रहे हैं हमने जानवर देखने, मैंने कहा चलो जी। हाँ जी, जानवर देखने, फिर वो जरा के लिए ना, फिर वो क्योंकि वो कौशल कह रही है भाई हम खाना शाम का उधर कैया सिस्टर के पास खा के आएंगे। नहीं नहीं, ये काम नहीं, खाना हमने इधर ही आके खाना है। ये है कि वहाँ जाएंगे, देखेंगे जानवर, देखेंगे छांव, देखेंगे सेटिंग, देखेंगे उसके बाद जो है ना चाय भी नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा, वापिस आ जाएंगे। हाँ जी सुनाओ जी। तो इसलिए मैं फिर कह रही थी ना, मैं मैं नहीं जाती भाई, जरा भी फिर छीने में तो जरा को अकेला भी नहीं ना छोड़ना, अभी बात करने दो। तो मैंने कहा जरा छीले में ना, फिर मैंने खाना भी बनाना, मैंने कहा अगर हम उधर खाना खा लेंगे तो फिर ये जो घर है वो फिर किधर जाएंगे। फिर बात तो भी मेरे वाली, और जो मैंने बात की वही बात है ना, बात कोई फर्क तो नहीं है। पहले तो मैंने यही बात करी ना, फिर मैं नहीं जाती। नहीं मेरी बात सुनो ना, खाना तो बनाना है ना, वहाँ खाना बनेगा तो ले आना फिर यहाँ से घर वालों के लिए। चलो अच्छा, आज देर हो रही है, चलो आना भी है वापस। चलो मैं सारा चलो घर जी आ चुके हैं, और समिया बेटी का मुंह बना हुआ है। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है नाराज है समिया। नहीं, आप नहीं लेके गई ना? नहीं, ये पीछे भाग गई थी गली तक, मैंने कहा पता नहीं फिर इसे कौन ले, कह रही मुझे लेके जाओ, मैंने कहा आप जब जाते हो, मैंने कभी कहा मुझे भी लेके जाओ, मैंने कहा मेरा तो जरूरी काम था वहाँ पे जाना, तो आप चले जाना, मैंने कहा मैं तो कभी कभी जाती, मैंने कहा पूरा हफ्ता हो गया जाना जाना, तबीयत नहीं सही थी, मैंने कहा आज कुछ होश में आई हो तो आप कह रही मुझे नहीं लेके, मैंने कहा जाते रहना, ईद पे चले जाना, ईद आ रही है, मैंने कहा 3 दिन उधर ही रहना। साइकिल मोटर पे मामू जगह पे नहीं थी, फिर घर पे तो किसी ने रहना था ना, गाय भी है पीछे, फिर ये बात है, अब वो इनके काम पे गए हुए हैं, तो फिर से इसे सोच होनी चाहिए ना, मैं घर पे तो हाँ काम पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल जो पीछे किसी के साथ हाँ जी वो चाल लेने गए हुए थे, चाल गधे की। हाँ जी हाँ, गधे की चीजें पूरी नहीं होने पे आ रही। वो ना पट्टा जो होता है ना, वो ना कमजोर था ना, वो सही कर लेने के गए हैं, 2000 के वो लेने गए हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा। कौशल जी साथ आ गई है, शुक्रिया, आई नहीं क्योंकि वो कह रही थी कि जारा अकेली है, इब्राहिम जो है दुकान पे जा रहा है, तो मैं उसको जो है ना अकेली नहीं छोड़ सकती, आप बच्चों को सबको ले जाओ जी, मैं फिर बच्चों को साथ जो है ना ले आया हूँ, फिर जो है ना अब जा रहे हैं वापस, पानी छानी पीते हैं, चाय हम पीते नहीं कुछ नहीं बाजी, बहुत गर्मी है, मैं ना मंडी की सट झलवी आज, मुझे पता है मेरी कमर में भी दर्द है,
और मंडी में जो हाल था ना, अगर मेरी कोई वीडियो बनाता ना मेरी हाल देख, तो जैसे भट्ठे पे भट्ठे वाला तो काम था नहीं ना, सारे बाल मिट्टी मिट्टी, सारे कपड़े मिट्टी, पाँव सारा बुरा हाल हुआ था। पंखा चला रहे, हवाई जहाज चला रहे, हेलीकॉप्टर टू टू करता रहेगा जी। मैंने कहा अब समय अब हम अपने साथ ले जाते हैं, चलना है। हाँ ले जा, अब तो ले जा, तो तुम आ गए हैं। हाँ चले, अब तुम लोग तो हाँ, हाँ तुम लोग घर में आ गए हो ना, ठीक है ना, अब हम उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमारी टेंशन ले जो, ले जो, ठीक है जी। ये छाना कम की थी, हेरोई जिंदगी दी, गाल इसने इसलिए किया भाई ये चलो राजी भी हो जाएगी, मूड भी सही हो जाएगा। हाँ चल इसको जाके ना जानवर दिखाते हैं। मगर फिर मैंने काम करना, सालन वगैरह बनाना था ना आपने, इसलिए चलो ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह अब इसकी आवाज देखना, सारों को डरा देगी। चल समिया बेटा तैयारी कर, नहीं मूड नहीं है, अच्छा पानी तो पिला दो, अच्छा पानी तो पिला दे। कहाँ जा रहे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। लैस वगैरह? हाँ जी लैस। गर्मी छेड़ो ना, तंग ना करो, हम दुनिया के सताए हुए हैं, गुस्से में है, हमको ना छेड़ो, हम दुनिया के सताए हुए हैं। सबसे ज्यादा गुस्से में खड़ा है, किसके ने बड़े वाले ने, उतने तो तंग करना ही था गर्मी में। उस्ताद के घर से भागा ये, अच्छा यहाँ आके डाले पे आई है, और भूखे से बेचारे जो है ना पागल हो गए होंगे भूख से, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी सेटिंग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, सांस निकाल लेते हैं, फिर जो है ना आपको इंशाल्लाह आज हम जानवर लेके आए, सारे जानवर का जो है ना आपको ना विजिट करवाते हैं, ठीक है? बोली पो के ही के बोल, सारे नाल तो गुस्सा कौन है, हमने तो आपको नाराज नहीं किया ना, आप ऐसे ही हमसे नाराज हैं। मम्मा ने नाराज करा, मुझे पहले पता था, वो पहले से साथ नहीं लेके आई ना, इसलिए नाराज थी। मैंने पहले होके चले गए ना, एक तो मीटर का मसला था, अच्छा। उसके पास जाना था, और दूसरा यह है कि कोई बाजार से कुछ चीजें वगैरह, मैं वैसे बेटी ने और शुक्रिया गई थी साथ, वो लेकर आई थी, मैं तो गया हुआ था मंडी, वापिस आया कमर में दर्द है, इसने सत्यानाश किया हुआ, फिर बाद में चला थी समिया, बेटी जो है ना बड़ी नाराज है। फिर उठ गई आप? मैंने यार वो डाली है 700-800 वो ईंट थी ना, ट्रॉली उठाई है वो डाली है ना, बिल्कुल ठीक, घर गया जाके नाश्ता पी गया, दोबारा जब मैं गया ना जाके बैठा हूँ, फिर तो मैं पुरानी दर्द चेक करवाता हूँ मोरे वाले डॉक्टर को, अल्लाह वारिस है, आप जाओ ले आओ दवाई, अल्लाह खैर करे, वो दवाई कह रहा हूँ लेसे लूसे, और मेरा भी गर्मी से खैर हुई। चले जी माशाल्लाह से, अब जी आपको जानवर दिखा देते हैं, माशाल्लाह जो हम जानवर लेकर आए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पिछले बार जो थे ना हमारे 4 जानवर थे, अल्लाह वार से देखते हैं जी कितने होते हैं जी। एक जानवर ये बैठा है जी, बछड़ा बैठा है, ये बड़े वाला ये बैठा है, अभी भूख से ये पागल हुआ हुआ है, क्योंकि सुबह का ये भूखा था, अभी जो है ना लेकर आए हैं, कुछ थोड़ा बहुत इनको जो है ना डाला है घास वगैरह, लेकिन खा नहीं रहे, नई जगह है ना, इसलिए 2-4 दिन लगेंगे, हेलक हो जाएंगे। बाकी माशाल्लाह चाचू जी अपना आए हुए हैं, ये काफ़ी बेहतर मालूमात रखते हैं जानवरों की, इंशाल्लाह ताला जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। और तीसरा जानवर हमारा ये है, अल्लाह दा ना, मैं को वीडियो तो बनावा दे ना कि नहीं देना, मालक को पै गए। एक जानवर उधर बैठा है हमारा, एक ये है माशाल्लाह, ये भी अभी बैठा है, अब ये भी दिखाता हूँ ये देखेंगे, बस अभी बैठे रहें दो, उसको तो बैठा रहें दो, सुबह दिखाएंगे जब उठे हुए होंगे ना, अभी थके हुए हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, मंडी में गर्मी थी कोई, ओए होए 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 होए, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, कयामत की गर्मी कैसी होगी, अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा गर्मी थी। अली हसन बता रहा था इसने जो है ना बहुत आज भगाया, इस बड़े वाले ने बाईपास छोड़ गया वहाँ से, फिर भागता हुआ पीछे सारे 4 बंदे लगे हुए थे, फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना अपनी जगह पे पहुंचा, और बंदरी देखे नहीं लेकर आई है,
बहुत बड़ी बंदरी है और छह यहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं, तीन आ चुके हैं, अल्लाह करे छह हो जाए, छह ही हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, देखते हैं जी अल्लाह पाक खैर करे। और साथ में एक बकरा, ये देखें जी माशाल्लाह बकरा भी लेकर आए हैं। बकरे के कुछ डाला है कि नहीं डाला? ये भी डाला है, नहीं खा रहा है, थके हुए है ना, ये भी नींद आ रही, नींद आ रही। चलो जी, ये बकरा जी जकिया बाजी का है माशाल्लाह से, उनके तीन बकरे हैं, एक बकरा जो है ना आदिल भाई की तरफ से, टोटल चार बकरे हैं, अल्लाह करे बकरे भी बढ़ जाएं। आमीन। हाँ जी, वो बाबा खड़ा है सामने, बागे में जो है ना चलते हैं, बाबा का जो है ना हाल चाल लेते हैं। बाबा बोलता है, बाबा बाबा ठीक हो, बाबा खैरियत है, खाना शाना दे रही हैं बाबा? ओ बाबा एक और भी लेके आए, तेरा भाई लेके आए हैं, ये तो माशाल्लाह करता है बाबा। ओ बाबा ये कह रहा मुझे बाबा, अब मैं मसरूफ हूँ, मुझसे कोई बात ना करे, कहता मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा छेड़ो मत ना, छेड़ मलंगा ना, ये तो छेड़ वैसा था, ये बहुत शरीफ है, बहुत इंतहाई शरीफ बकरा ये वाला जी, उधर कर दो, उधर कर दो। हाँ हाँ, मार देगा दराजा, नहीं मानता है, पहले जो ये क्या ऊपर देख रहा है। चलो जी खैर हो भाई, थाई तक ओ बाल कैसे खड़े हो, हाँ लड़ते हैं ना, ये देखें ये, अल्लाह पर हो जाओ, ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो, ये देखें ये माशाल्लाह, एक ये बकरा हो गया, एक ये बकरा हो गया, ये दोनों सैयदा हमारी बहुत ही प्यारी बहन है, सैयदा ज़किया सिस्टर, उनके तीन बकरे हैं, चौथा बकरा जो है वो बाहर खड़ा शेरू, ये बाबा है शेरू बाहर खड़ा है, इसका भी हमने नाम नहीं रखा, अभी देखते हैं इसका क्या नाम, इसका नाम नेहरू, नेहरू अच्छा शेरू मेरू बाबा, इसका भी नाम हमने नहीं रखा, पता नहीं क्या था, माटू मोटू, अच्छा मोटू है जी, ये बांधे जरी बांध लड़े ना बस। अब जी ये उठाया माशाल्लाह से ये वाला जानवर, ये जी अवैस भाई का जानवर है, बैल है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा खूबसूरत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये वाला जानवर जो है हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे तंदुरुस्ती दे, सब बहन भाई उन्हें आमीन बोलना है, हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी इफ्तखार माँ जी, उनका ये जानवर है माशाल्लाह से। और ये वाला जो जानवर है खालिद भाई का जानवर है माशाल्लाह से, ये तो अभी बैठा है, अभी जो है ना भूख से इनका बुरा हाल है, तीन चार दिन लगेंगे इनको सेट होने में, नई जगह है इसलिए जो है ना परेशान हुए हुए हैं। आज मैं जी काम पर था ही नहीं, मैं गया हुआ था मवेशी मंडी जानवर लेने के लिए, और मुझे भी इतनी खासी मालूमात नहीं थी कि भाई यहाँ पे हमारे इधर कितना काम हुआ है, मैंने कहा चले मैं ख़ुद भी देख लेता हूँ और आपको भी साथ में दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से हमारा जो है ना आज वाशरूम वाला काम भी कंप्लीट हो गया है, दरवाज़ा वाशरूम का लग चुका है और बैठक का वाशरूम का दरवाज़ा भी साथ में अटैच किया गया है, ताकि कोई मेहमान आ जाए तो इसकी तंगी भी ना हो, पर्दा ना कराना पड़े, यहाँ से कुंडी लगा लेते हैं, वहाँ से अपना मेहमान कोई आके जो है ना जिन्हें वाशरूम में जाना होगा अपना वाशरूम में चला जाता है। अच्छा माशाल्लाह काम हो गया, जितना भी हो गया शुक्र है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह अच्छा हो गया काम। देखते हैं जी अब लंटर किस दिन डाला जाता है, ज़बरदस्त प्यारा काम हो गया माशाल्लाह, मेरी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह पाक ने जो है ना बहुत ही अच्छा काम कर दिया माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता जो है काम कंप्लीट होता जा रहा है माशाल्लाह से, आज ये हो गया है कल और हो जाएगा, इस तरह करके जो है ना काम कंप्लीट हो ही जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे। बस आज का यही काम है, वाशरूम उसारा गया है और ये वाली दीवार रहती थी कल छूट गई थी, टाइम पूरा हो गया था, ये भी सात दीवार आज जो है कंप्लीट की गई है, सुबह जो है ना मिस्त्री भाई ऊपर चले जाएंगे पर्दी देने के लिए। सुन रहे हैं जी सैलाब आ रहा है तेज़ी के साथ, ट्रालियाँ आ रही हैं मिट्टी की और बंद के ऊपर डाला जा रहा है, बहुत सारी ट्रालियाँ आई हुई हैं, ये देखें आप, अचानक से ट्रालियाँ वगैरह आई हैं और शुरू हो गई हैं मिट्टी वगैरह बंद पे डालने के लिए, कह रहे हैं पत्थर वगैरह लगाएंगे, अल्लाह बेहतर जानते हैं सच है या झूठ है,
लेकिन बहुत सारी ट्रालियाँ जो है ना इधर से आ रही हैं, मिट्टी डाल रहे हैं बंध के ऊपर, बंध को जो है ना मजबूत किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है। और मुझे जहाँ तक इतला मिली है कहते हैं कि जी बहुत ख़तरनाक सैलाब आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना बंध का ख़तरा है टूटने का, इसलिए जो है ना तेज़ी के साथ जो है ना ट्रालियाँ वगैरह डाल के जो है ना बंध को पक्का किया जा रहा है, अल्लाह मालिक है। अब जी घर पहुँच चुके हैं और मामी जो है ना मामी कौन सा बर्तन धो रही हैं। हाँ जी, जो मामी के जिम्मे काम होते हैं वो मामी करती हैं, मामी बड़ी मामी जो है ना वो क्या बोलते हैं, हाँ जी बस वो काम अपना करते हैं। फिर मैंने उनसे कहा तो बच्चे कह रहे थे कि आंटी चलो हम ना जानवर जो नए हैं उनको देखने चलते हैं। हाँ जी, मैंने कहा चलो ठीक है चलो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर आए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे, और बकरे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। अल्लाह कबूल करे, कबूल करे आमीन। क्योंकि बस अभी पहुँचे हैं तो अभी गर्मी भी बहुत हो रही है। पानी मामी आप मार के गए थे सैन में? नहीं, मुझे लगता है मामी बड़ी मामी ने जो ना छिड़काव वगैरह कर दी है सैन का। हाँ जी, फिर घर में भी कोई भी नहीं था ना तो इसलिए। हाँ जी, घर में कोई नहीं था, आपने कहा फिर आप लोग जाओ, मैं यहाँ घर पे रहती हूँ, घर का काम भी तो था ना, तो फिर आप इजारा के साथ वो रोके, हमने अब हम देख कर आए हैं, फिर आप ही जाएगा, आप ही देख कर आएगा, हम घर में बैठे हैं। कल चली जाएगी मामी। हाँ जी, माशाल्लाह से दाल मैंने तैयार कर लिया, आज मैंने दाल बनाई है माश की और चने की दाल, ये देखेंगे दाल तैयार हो गया और दाल को लगाने लगी हूँ तड़का, साथ इधर मेरा तड़का भी तैयार हो गया, तड़का पहले मैं फटाफट उतार रहा हूँ, मेरे को लहसुन ना ज़्यादा ही जल जाएंगे। तड़के वाले मामी चावल बनाए जा रहे हैं। हाँ जी, मुझे पता था आप आ रहे हैं, मैं चावल बना, मैं तो आ ही नहीं रही थी, मामू गले से चले आप गरम हो, रुमाल से उठा रहे ना मामी, और माशाल्लाह से दाल भी इतनी ज्यादा बनाई हुई आपने तो। हाँ जी, वो चावलों के साथ भी ज्यादा खाई जाती है, फिर सुबह नाश्ते में भी खाते हैं। हाँ जी, अभी चावल जो है ना बनाने हैं, देने लगती चावलों पे तो नहीं, वो इधर पानी मैंने तैयार किया होगा, क्योंकि जब तक ये करती ना गैस नहीं ना निकलती, तो इसने ना मैं फिर चावलों के लिए प्याज वगैरह ब्राउन कर लेती हूँ, तो जैसे गैस निकलती है फिर वो उसमें पतीली में पानी डाल के ना चावलों वाला नीचे डाल के ना फिर तड़का तैयार करती हूँ। बस मैंने अब पानी में खटा ना सामान डाला चावलों वालों को, और फिर उसमें मैंने चावल डाल देने हैं, बकाया सब काम मैंने कर लिया था, पानी वगैरह भी मैंने सेम में छिड़क लिया था झाड़ू दे के, और कूलर भी बना लिया, जो मामू जो कूलर चला के सोते हैं उसमें भी पानी वगैरह सारा डाल लिया था, बस बर्तन रह गए थे, मैंने कहा खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ तो फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो इतने में फिर कोसा हो रहा था, मामू आ गया तो कोसा करने लगी, मैं खुद धो लेती हूँ बर्तन में। मुझे जी समझ नहीं आती, अचानक से मुझे पता भी नहीं, और मजे के दाल जो है ना ने चावल बना रखे, क्या कहने आपके, मजे के चावल नहीं, अभी तो चावल तड़के वाले बन रहे हैं, दाल मैंने अभी आपको चुखाई है। सच्ची आपको बात बताऊं, असर का टाइम चावलों को मैंने बड़ा याद किया, देखा आपने याद किया तो मैंने बना लिया। क्या कहने आपके, अंजीर आई है? हाँ जी, समिया बेटी ने दी है मुझे। हाँ जी, मुझे भी चार दाने दिए थे, पता नहीं किसने दिए थे, वो मैंने खा लिए। ये देखो, उन्हें पता ना मामी शौक से खाती है, तो समिया ने ना मेरे हाथ में ला के दिया, मामी ये लो आप खाए, मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैंने एक खाया, बड़े मजे का था, ये ना छिलक नहीं खाया जा रहा था, छिलक मैंने छील के खाया, बड़ा मजे का लगा। हाँ जी, अब तो बहुत पक गए हैं माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा उतर रही हैं अब तो। अच्छा, काफी ज्यादा है, चलो जिस दिन जाऊंगी ना फिर उस दिन उधर सारा दरख्त खाली कर दिया। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारे तेरे लिए थोड़ी लगे हुए हैं। हाँ जी, आपको पता उधर तो कोई खाता नहीं, भाई शौकत भी नहीं खाता, सुगरा सिस्टर भी जो ज्यादा पके हुए हैं ना वो खाते हैं और नहीं खाते, तो इसलिए ये देखे ना ये आराम से ना छिलक, ये देखे छिलके के साथ खाने होते हैं तो छिलके उतार ही जान दी है सारे, ये बस कोई होता है छिलक वाला अच्छा लगता है, कोई होता नहीं है छिलक वाला ना। अच्छा, खाने में कितनी देर है? बस अब दाल तो मैंने दिखाई है, तड़का लगा के भी ये देखे। अच्छा, हरा धनिया मिला नहीं है, नहीं तो इसमें हरा धनिया डालना था, चावल मैंने इसमें डाल दिए, तड़के वाले चावल है ये देखो, जैसे पानी खुशक होगा फिर मैंने चावलों को तड़का कह रही हूँ तो हम लगा देना मैंने। हाँ जी, पानी बहुत ज्यादा पिया है मंडी में ठंडा पानी, क्योंकि प्यास बार बार प्यास की तलखी लगी हुई थी, तो गला जो है ना डिस्टर्ब है, माजद के साथ आपने परेशान नहीं होना,
और व्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमारे प्यार बहन भाइयों थकावट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मैं जो है ना काम बहुत ज़्यादा है, मेरे सर पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अब जो है ना ये 13 दिन जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मसरूफ़ हो जाता हूँ, तो व्लॉग पे इतना ख़ास टाइम नहीं दे पाता। आपने जो है ना गुजारा करना है इंशाल्लाह ताला, ये जो ज़िम्मेदारी है ये मैंने अटेंड करनी है, सारी अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करनी है। और अल्लाह पाक ये जो फरीज़ा हम अदा कर रहे हैं बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी जो दी हुई है, अल्लाह पाक हमें खैर से, अल्लाह पाक ये ज़िम्मेदारी, अल्लाह पाक मुझे फ़र्ज़ जो है ना मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बहन भाई तामन कर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक सब हमारी बहनों को, माओं को, भाइयों को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और मैं बता देता हूँ कि मंडी में जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। आप ये ना सोचें कि भाई टाइम पर हम पैसे देंगे, ये है कि अब तो हमने बंदरी भी ले ली है, जानवर भी आ चुके हैं, इनके साथ जो हैं वो शामिल हो जाएंगे तो वो भी खाते रहेंगे, उनका अपना नसीब, इनका अपना नसीब, आप देर ना करें। जो बहन भाई अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से जो है ना हिस्सा अपना भेज दें, ताकि मैं जानवर लेके जो है ना अभी से खड़ा कर दूं, क्योंकि एंड में जो है ना बहुत 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार का जानवर में फ़र्क आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो मैं पिछले जानवर लेके आया हूँ, बकरे लेकर आया हूँ, जो लेकिन आज लेकर आया हूँ, हमें बकरा भी जो है ना फुल बड़ा नहीं मिला और जो है ना महंगा भी बहुत मिला है। मुझे पता है ना कितना महंगी मंडी हुई खड़ी है, क्योंकि पिशावर से, अटक से, कोहाट से, कोयटा से, पठान जो हमारे भाई हैं, बड़े बड़े ट्रक लेकर 22-22 व्हीलर वो पहुंचे हुए हैं, मंडी जो है ना खाली करके लेके जा रहे हैं। अगला जो हमारा लगेगा मंगल बाजार मंडी लगेगी, उसमें बाहर की मंडी वाले लोग नहीं आ सकेंगे, इसलिए जो है ना मंडी बहुत हाई लगी हुई थी। मेरा पैगाम देखने वाले प्यारे बहन भाइयों तक पहुँच चुका है, व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है। इजाज़त लेते हैं, अपनी दुआ में रखिएगा, याद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, ताकि हर आने वाली अल्लाह ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।